नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं विधायिका। राज्य विधानसभा में एक ही सदन है विधानसभा। इसके नवनिर्मित भवन को वास्तुकार चार्ल्स कोरियन द्वारा ने डिजाइन किया था। पूर्व में विधानसभा मेंटो हॉल में लगती थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 230 है और एक को राज्यपाल मनोनीत करता है। 230 हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 35 हैं इसमें, जनजाति के लिए 47 हैं, ठीक है, आरक्षित। तो याद रखिए विधानसभा की कुल संख्या कितनी है विधानसभा सदस्यों की, 230। अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, 35 आरक्षित स्थान, और जनजाति के लिए 47। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, कुंजीलाल दुबे, और वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, नर्मदा प्रसाद प्रजापति। 2019 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पुराने हो गए, ठीक है। तो अभी कौन है, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ठीक है, 2019 में। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों की बात करें तो इतना नहीं रटना है आप लोगों को, पहला याद रखिए कुंजी लाल प्रसाद, अगर देखना चाहते हो ये दिया गया पूरा लिस्ट, ठीक। 2019 में जो 2018 में चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के, 2019 में है नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ठीक है। 2019 में कौन है, नर्मदा प्रसाद प्रजापति। अब बात करते हैं 15वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा की इसमें दिया गया है, तो 14वीं को देख लेते हैं और 15वीं को। तो ये दल हो गया विधायकों की संख्या, लोकसभा सांसद। तो 2013 में हुए थे चुनाव 14वीं विधानसभा के, तो इसमें 165 थे किनके, बीजेपी के, कांग्रेस के थे 58, वासापा के थे 4 और अन्य के थे 3। अब बता दें हम आप लोगों को 2018 में जो चुनाव हुए, 2018 में जो चुनाव हुए 15वीं विधानसभा के, कब हुए, 2018 में। तो इसमें कांग्रेस को मिले हैं 114, कांग्रेस को 114 सीटें मिली, बीजेपी को 109 सीटें, और बीएसपी को 2 सीटें, एसपी को, सापा को 1 सीट, और निर्दलीय हैं 4 विधायक, ठीक है, 4 विधायक निर्दलीय हैं। तो याद रखिए 2018 में 15वीं विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 114 कांग्रेस को मिले हैं, 109 हैं बीजेपी के विधायक, 2 हैं बीएसपी के और 1 है सापा का, 4 हैं निर्दलीय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, 2019 में जो चुनाव हुए उनकी बात कर लें, तो 28 सीटें मध्य प्रदेश से मिली हैं किसे, 28 सीटें मिली हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी को, एक सीट जीत पाई कांग्रेस। एक सीट कौन सी है, वो है छिदवाड़ा, नकुल कमलनाथ के बेटा हैं, उन्हें ने जीती है, ठीक है। तो 29 सीटें हैं जिनमें से 28 मिली हैं बीजेपी को, एक मिली है छिदवाड़ा कांग्रेस को। अब बात करते हैं वर्तमान 2019 में जो 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, 14वीं के थे सत्यदेव कटारे, और 15वीं के हैं गोपाल भार्गव हैं 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता। याद रखिए लोकसभा में क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अब 29 सीटें लोकसभा क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के लिए 11 सीटें हो गई हैं, याद रखिए। राज्यसभा में मध्य प्रदेश के लिए 11 सीटें हैं राज्यसभा की। मध्य प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे, और वर्तमान 2019 की बात करें 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष तो ये हैं सुश्री हिना लेखीराम कांवरे, ठीक है। अब कार्यपालिका की बात करते हैं आगे, कार्यपालिका
तो मंत्रिपरिषद 1956 को मध्य प्रदेश की पहली मंत्रिपरिषद बनी थी और पंडित रविशंकर पहले मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के पहले मंत्रिपरिषद कब बनी? 1956 में। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर पहले मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में श्री, वर्तमान में नहीं, ये 14वीं विधानसभा तक रहे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, जो 2018 तक रहे चुनाव, ठीक है, मुख्यमंत्री रहे। और 18 में दिसंबर में कमलनाथ बन गए, जो अभी भी है। 1956 में राज्य स्थापना के बाद तीन अवसर पर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि सुश्री उमा भारती भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। याद रखिए, मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? सुश्री उमा भारती जी। श्यामाचरण शुक्ल एवं शिवराज सिंह चौहान सर्वाधिक 3-3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि दिग्विजय सिंह ने सर्वाधिक 10 साल काम किया था, लेकिन उनके बाद शिवराज सिंह सर्वाधिक बार CM बने हैं, ठीक है। सबसे कम राज्य के नरेश कम सबसे कम राजा नरेश चंद सिंह मात्र 13 दिन मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा है? शिवराज सिंह चौहान, और सबसे कम राजा नरेश चंद का। अब मुख्यमंत्रियों की सूची देख लेते हैं। तो पहले थे रविशंकर शुक्ल, याद रखिए 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। फिर आए भगवंत राव मंडलोई, फिर कैलाश काटजू, ये भगवंत राव मंडलोई रहे हैं 1 नवंबर 1957 से 30 जनवरी 1957 तक। फिर कैलाश काटजू रहे, ये 31 जुलाई 1957 से 15 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1957 तक। फिर है भगवंत राव मंडलोई जी दोबारा रहे 62 से 63 में, द्वारका प्रसाद मिश्र 63 से 67 तक, गोविंद नारायण 67 से 69 तक, राजा नरेश चंद ये 1969 में मुख्यमंत्री रहे, श्यामाचरण शुक्ल ये 69 से 72 तक रहे, प्रकाश चंद्र शेट्टी ये 72 से 75 तक रहे, श्यामाचरण शुक्ल ये 75 से 77 तक रहे, 1975 से 77। राष्ट्रपति शासन ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा? April 1977 से 25 June 1977 तक। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1977 में लगा। उसके बाद आए कैलाश चंद जोशी, ये 77 से 78 तक रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा 78 से 80 तक रहे, सुंदरलाल पटवा ये 80 से 80 में रहे 1980 में। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक, ठीक है। पहला लगा 1977 में, दूसरा लगा 1980 में। फिर अर्जुन सिंह रहे 80 से 85 85 से 88 तक। मोतीलाल बोरा 1988 में मुख्यमंत्री, अर्जुन सिंह ये 88 से 89 रहे, मोतीलाल बोरा ये 89 से 89 में रहे, श्याम चरण शुक्ल ये 89 से 1990 तक रहे, सुंदरलाल पटवा ये 90 से 92 तक रहे। फिर राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लगाए 1952 से 93 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 77 में, दूसरी बार 80 में, और तीसरी बार 93 में। फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह रहे 1993 से नवंबर 1998 तक, नवंबर 1998 से 2003 तक।
ठीक है। फिर आई सुश्री उमा भारती जी, ये नवंबर 2003 से अगस्त 2003 तक रहे, 2004 तक रहे। बाबूलाल गौर ये 23 अगस्त 2004 से नवंबर 2005 तक रहे। फिर श्री शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2005 से 2008 तक, शिवराज सिंह चौहान 2008 से 2013, तो शिवराज सिंह 2013 से 2018 तक रहे। याद रखिए दिसंबर 2018 में नए मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, कमलनाथ। ठीक है, कमलनाथ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे राज्यपालों की सूची मध्य प्रदेश की। तो वर्तमान में कौन है प्रधान मुख्यमंत्री यहाँ के मध्य प्रदेश के, कमलनाथ। राज्यपाल राज्य कार्यपाल का संविधानिक प्रमुख होता है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से लेकर अब तक 24 राज्यपाल राजभवन को सुशोभित कर चुके हैं मध्य प्रदेश के। 2019 तक की बात करें, राज्यपाल के नाम और उनका कार्यकाल इस प्रकार है। पहले थे पट्टाभि श्री बी पट्टाभि सीतारमैया, ये 56 से 57 तक रहे। हरि विनायक पाटकर ये 57 से 65 तक रहे। के सी रेड्डी ये 65 से 66 तक रहे। फिर न्यायाधीश पी वी दीक्षित एक कार्यकारी थे, ये 66 में रहे। के सी रेड्डी ये 71 में रहे, 66 से 71। फिर है सत्यनारायण सिन्हा, तो ये रहे 71 से 77 तक। फिर हैं अगले श्री एन एच वांचू, ये 77 से 78 तक रहे। फिर है श्री एच एम पोनाचा, ये 78 से 80 तक रहे। श्री भगवत दयाल शर्मा, 81 से 83 तक रहे। न्यायमूर्ति जी पी सिंह, 81 से 81 में रहे, 1981 में। भगवत लाल भगवत दयाल शर्मा, 81 से 83 तक रहे। न्यायमूर्ति जे पी सिंह कार्यकारी थे, 83 से में रहे 1983 में। फिर भगवत दयाल शर्मा 83 से 84 में रहे। के एम चांडी 84 से 87 तक रहे। न्यायाधीश एन डी ओझा 87 से 87 रहे, 1987 में बने। के एम चांडी 87 से 89 तक रहे। फिर है सरला गेवाल, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, ये 89 से 90 तक रहीं। कुंवर मेहर अली खान ये 90 से 93 तक रहे। मोहम्मद शफी कुरैशी ये 96 से 98 तक रहे। भाई महावीर ये 98 से 2003 तक रहे। फिर है सुख राम प्रकाश गुप्ता, तो ये 2000 से 2004 तक रहे, 2003 से। फिर है बलराम जाखड़, जून 2004 से जुलाई 2009 तक रहे। श्री रामेश्वर ठाकुर ये जुलाई 2009 से 2011 तक। और श्री रामेश राम नरेश यादव 2011 में जी रहे। और फिर उसके बाद रामेश्वर राम नरेश यादव के बाद बने ओम प्रकाश कोहली, फिर आनंदी बेन पटेल, फिर लालजी टंडन जुलाई 2019 में बने। लालजी टंडन 2019 में कौन है, लालजी टंडन। ठीक है, तो आपको बता दें कार्यकारी कौन कौन से रहे राज्यपाल मध्य प्रदेश में। तो न्यायाधीश पी वी दीक्षित 1966 में रहे ये कार्यकारी राज्यपाल। फिर न्यायमूर्ति जे पी सिंह ये 81 से 1981 में रहे। फिर न्यायाधीश जे पी सिंह ये 83 में रहे। फिर न्यायाधीश एन डी ओझा ये 87 में रहे। ठीक है, तो चार बार कार्यकारी रहे, न्यायाधीश पी वी दीक्षित, न्यायाधीश जे पी सिंह और एन डी ओझा। ठीक, इनके नाम याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहा है एमपी का, कोई और एक नाम दे देंगे। तो तीन लोगों को याद रखिए, पी वी दीक्षित, जी पी सिंह और एन डी ओझा, 2019 के हैं लालजी टंडन। पट्टाभि सीतारमैया प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। सरला गेवाल पहली महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल श्री राम नरेश राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी राम प्रकाश गुप्त की। अब बात करते हैं हम लोग आगे प्रशासनिक तंत्र मध्य प्रदेश का। राज्य सचिवालय मध्य प्रदेश के प्रशासन का केंद्र बिंदु
सचिवालय वल्लभ भवन जो भोपाल में है। वस्तुतः यह मंत्रियों और सचिवों दोनों का कार्यालय है। मुख्य सचिव राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? H.M. कामत, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है सचिव? सुधीर रंजन मोहिती, ठीक है। सचिवालय की संचालनालय की बात करें तो भोपाल में सतपोड़ा विंध्याचल नामक दो भवन सचिवालय की इमारत के पास खड़े, जो वस्तुतः संचालकों के लिए कार्यालय है। तो मुख्य सचिव याद रखिए 2019 में सुधीर रंजन मोहिती है, ठीक है। क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो राज्य में 10 संभाग 52 जिले हैं। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बन गया, उसके बाद 52 जिले हो गए MP में। जिले में अनुभाग, तहसील और उप तहसीलें सामान्य प्रशासन से संबंधित, नियामकीय कार्य तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्य करती हैं। संभाग आयुक्त राज्य के समस्त 10 संभागों में आयुक्त हैं, जो संभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। जिले में कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्य तक की विभिन्न जिम्मेदारियां कलेक्टर की होती हैं। अब बात कर लेते हैं राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में। नरोनेहा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है। ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में है। रेंजर प्रशिक्षण केंद्र वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक में है। अब बात करते हैं प्रशासनिक भवनों की, तो मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स पर है। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन में है। राज्य मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन में। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा भवन। राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन। मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम पुस्तकालय पुस्तक भवन। राज्य सचिवालय वल्लभ भवन। राज्य संचालनालय सतपोड़ा विंध्याचल। अब पुलिस प्रशासन की बात करते हैं मध्य प्रदेश में। पुलिस महानिर्देशक, यह पद 1982 से सृजित किया गया था। यह राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। पहले पुलिस महानिदेशक BG घाटे थे, ठीक है, याद रखिए। पहले महानिदेशक पुलिस महानिदेशक कौन थे? BG घाटे, ठीक है, याद रखिए। वर्तमान में कौन है? R.B.K. सिंह, B.K. सिंह, ठीक है, याद रखिए, B.K. सिंह है। आगे देखते हैं, पुलिस अधीक्षक प्रत्येक जिले में प्रमुख पुलिस अधीक्षक होता है। रेंज की बात करें तो 11 पुलिस अनुभाग हैं। रेंज DIG की बात करें तो 15 पुलिस थाना है। पुलिस जिलों की बात करें तो 50 पुलिस चौकियां हैं, ठीक, इनके ऑन हो गए होंगे। नगर सेना की बात करें, राज्य में नगर सेना पैरा पुलिस फोर्सेस के रूप में कार्यरत है। इसकी सेवाएं ट्रैफिक, सार्वजनिक संपत्ति और उच्चाधिकारियों की सुरक्षा ली जाती है। होमगार्ड की बात करें तो राज्य में होमगार्ड का व्यवस्थित संगठन है। इसके अपने महानिदेशक महानिरीक्षक होते हैं। प्रदेश में होमगार्ड की कुल संख्या 126 कंपनियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं राज्य पुलिस प्रशासन के बारे में। राज्य पुलिस प्रशासन तो इंदौर रेंज में आते हैं। इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर। उज्जैन रेंज में आते हैं उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, आगर। होशंगाबाद रेंज में आते हैं होशंगाबाद, हरदा, रायसेन। भोपाल रेंज में आते हैं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा। ग्वालियर रेंज में आते हैं ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। जबलपुर रेंज में जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला। सागर रेंज में सागर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना। रीवा रेंज में आते हैं रीवा, सीधी, कटनी, सतना, सिगरौली। बालाघाट रेंज में बालाघाट जिला आता है। चंबल रेंज में मुरैना, भिंड, शिवपुर, दतिया आता है। शहडोल रेंज में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आता है, अनूपपुर। अब बात कर लेते हैं यही पुलिस, रेलवे पुलिस की पृथक संरचना है। इसका भी एक महानिरीक्षक होता है,
इसके अधीन 3 सेक्शन है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। भोपाल सेक्शन के अंतर्गत सर्वाधिक 8 थाने हैं। हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना पुलिस मुख्यालय भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी आशा गोपालन है। याद रखना, मध्य प्रदेश की सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS कौन थी? अधिकारी आशा गोपालन। पहला महिला पुलिस थाना भोपाल में खोला गया था। जिला पुलिस प्रशासन की अभियोजन शाखा जिला कलेक्टर के अंतर्गत थी। प्रथम ISO प्रमाण पत्र थाना कौन सा है? देवास। मध्य प्रदेश पुलिस की नेट सुविधा पोल नेट कहलाती है। अब पुलिस संस्थान और उनके मुख्यालयों की बात करते हैं, तो राज्य पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ है? भोप सागर में। पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज कहाँ है? सागर में। सशक्त पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में। मोटर वर्कशॉप केंद्र गोरीबा। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल। स्वान डॉग प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल। प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर की 6वीं वाहिनी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। राज्य का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य शासन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य शासन द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग की कार्यालय वर्तमान निर्वाचन भवन अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। प्रथम सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव हैं। प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? TN श्रीवास्तव हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? TN श्रीवास्तव। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है, 2019 की बात कर रहा हूँ, अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है, अरविंद कुमार शुक्ला 2019 में राज्य सूचना आयोग हैं। ग्राम संपर्क वेबसाइट की बात करें तो ई शासन की अवधारणा। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ के सभी गांव ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट द्वारा ई शासन के तहत लाए गए। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ प्रत्येक गांव में पारदर्शी रूप में सुविधाओं में संबंधित सूचनाएं कर्मियों जन शिकायतों को सार्वजनिक किया गया है। वेबसाइट का नाम है www.mpnic.in ग्राम संपर्क। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं न्यायिक प्रशासन के बारे में। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है, जबकि इसकी 2 खंडपीठ हैं इंदौर में और ग्वालियर में। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला राज्य उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखना, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान है अजय कुमार मित्तल। वर्तमान 2019 में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के अजय कुमार मित्तल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मुख्य पीठ की बात करें। पीठ के तहत आने वाले जिले तो अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, खंडवा, पूर्वी निवाड़, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सीहोर, टीकमगढ़, उमरिया। खंडपीठ की बात करें, खंडपीठ इंदौर के तहत आने वाले जिले बड़वानी, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, आगर, उज्जैन, खरगोन, पश्चिमी निवाड़। खंडपीठ ग्वालियर के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, विदिशा। ग्राम न्यायालय की बात करें तो 2009 में भारत में शुरू हुए, इसके तहत मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय बेरसिया जिला भोपाल में 2 अक्टूबर 2009 में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पंचायती राज की पंचायती व्यवस्था। मध्य प्रदेश राज अधिनियम 1962 का क्रियान्वयन, पांडे समिति की सिफारिशों के अनुरूप विधानसभा में से 1962 में पारित किया गया, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत 1962 में ही लागू हो गया।
मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 में आया था। मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम 1993। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 19 कार्य सौंपे गए हैं, ये बात याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम 1993 में आया। ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 कार्य हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तहसीलें वर्तमान में देख लेना शायद 412 के करीब हो गई, तो वर्तमान में देख लेना। 313 विकास खंड हैं जिसमें 89 आदिवासी विकास खंड शामिल हैं। 476 नगर हैं, 54,903 गाँव हैं, इसमें 52,117 आबाद ग्राम शामिल हैं। आगे बात करते हैं, 51 जिले हो गए मध्य प्रदेश में, याद रखना। निवाड़ी नया जिला बन चुका है 2018 में। 313 जनपद पंचायतें हैं, 23,012 ग्राम पंचायतें हैं, 16 नगर निगम हो गए, 100 नगर पालिकाएँ, ठीक है, 258 नगर पंचायतें। स्थानीय निकायों की बात करें तो स्थानीय निकायों एवं पंचायत संस्थाओं के निर्वाचन में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। स्थानीय निकायों की में राइट टू रिकॉल का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्य है। इसका प्रथम प्रयोग शहडोल जिले की अनूपपुर की पल्लविका पटेल की जनता ने हटाया। वर्तमान समय में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है, जिसकी अवधारणा में एक या एक से अधिक गांव के लिए ग्राम पंचायत, प्रत्येक विकासखंड के लिए जनपद पंचायत, प्रत्येक जिला के लिए जिला पंचायत बात की गई। 1993 के अधिनियम में संविधान में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रमुखों के निर्वाचन की स्थिति में के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई कि केवल ग्राम पंचायतों के सरपंच के मामले में निर्वाचन प्रक्रिया का जिम्मा राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा, जबकि जनपद एवं जिला पंचायतों के मामले में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं, सुशासन नीति विश्लेषण स्कूल। राज्य शासन द्वारा भोपाल में स्कूल की स्थापना 2008 में की गई थी। अब बात करते हैं नगरीय सुशासन के बारे में। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की नगरीय शासन स्थाएँ हैं, जिन 12वीं अनुसूची से संबंधित है। नगरीय प्रशासन 12वीं अनुसूची में, इसमें 18 कार्य सौंपे गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका बनी थी 1864 में जबलपुर में, याद रखिए। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका कब बनी, 1864 में जबलपुर। राजेंद्र धारकर समिति का गठन नगरीय निकायों से संबंधित था, ठीक है। नगर पालिकाएँ 100 हो गई, याद रखना, और नगर निगम है 16 है। नगर निगम 16 है, नगर पालिकाएँ 16 है, नगर पालिकाएँ 100, नगर पंचायतें 264। पहली न्याय नगर पालिका कहाँ थी, दतिया में। अब बात कर लेते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। तिहत्तरवें और 74वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष बाद स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश राज्य ने 14 जून 1994 को पहला राज्य वित्त आयोग गठित किया था। मुख्यमंत्री की पदेन अध्यक्षता वाली संस्थाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद, मैच आईटी, राज्य योजना मंडल, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, महर्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान, ठीक है। तो ये थी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, ठीक है। करंट में जो भी छूटा हुआ है राज्य व्यवस्था से संबंधित, सब करंट में बात कर लेंगे। तहसीलों की संख्या क्योंकि बदलती रहती है तहसीलों की।